ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा सीमा, इस वक्त कौन सी मूवी देख रही हो लैपटॉप पे? बाबा बच्चों मैं मूवी नहीं देख रही, काम कर रही हूँ। अरे बाबा काम कर रही हो, मैंने कहा है ना बाबा वो घर पे काम करने के लिए कुर्सी ले लो ना बाबा, वो ऑफिस की जो एक कुर्सी आती है वो वाली। हाँ बच्चू सही कह रहे हैं, अब तो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए चेयर लेनी ही पड़ेगी। हाँ बाबा सही कह रही हो, फोम तो अच्छा होना चाहिए, नरम आरामदायक। अरे बच्चू फोम नहीं, वर्क फ्रॉम होम। हाँ हाँ बाबा वही वही। अच्छा ठीक है, मैं सुबह ही जाके लेती हूँ ऑफिस के लिए चेयर। बाबा अच्छी ना बाबा, हमारे स्टैंडर्ड को देखते हुए लेना बाबा, अच्छी। क्यों? बाबा वो मैं भी कर लिया करूँगा ना। क्या? बाबा वही वो वर्किंग फॉर्म। उफला बच्चू। अरे बाबा वही वही जो आप कह रही थी ना वही वाला, बस कुर्सी अच्छी लेना बाबा। हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ले लूँगी, मुझे काम करने दें। ए बाबा क्या हो गया सीमा, बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? मुझे लगता है जरीना का जूठा पी लिया। लो बला देखो, हर वक्त मेरे खाने पे ही नजर रखे बैठा होता है। और किस पे रहे? आप बाबा ये तब तुमको खुद को पता होगा ना। बच्चू भाई आप कुछ पूछ रहे थे मैडम से। हाँ बाबा वो मैं ये कह रहा था बाबा, सब खैर तो है ना? हाँ हाँ बच्चों मुझे ऑफिस में कुछ काम है, और वापसी में वो चेयर भी तो लेके आनी है। चेयर? इलेक्शन में खड़ी हो रही है क्या, कुर्सी खुद ही ले आई आप? अरे नहीं जाने, वो वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बाबा तुम जाओ, देर हो रही होगी बाबा, जाओ ऑफिस। अब आ जाए, अब बाबा जब तुम वापस आ जाना तो दो दर्जन हम लोगों के लिए गोल गप्पे ले आना। खुदा को मानो अभी तो नाश्ता गले से नहीं उतरा, दोपहर के खाने की पड़ गई है। अरे नहीं नहीं जानी, वो शाम में खाते हैं ना हल्का फुल्का सा स्नैक, वो कह रही थी ले आना। स्नैक है? इतनी बर्बरियत और इतना वैश्यपन, सांप कब से खाना शुरू कर दिया तुमने? सांप सांप की तो मैंने बात ही नहीं की बाबा, वो शाम में थोड़ा सा हल्का फुल्का नहीं लोग खाते तो अब मैं भी खा लूंगी। अच्छा 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 स्नैक्स, वैसे मैं ये समझ रहा था कि गांव से पहले शहर और अब शहर से जंगल की तरफ रवानगी का सोच लिया। देखो फिर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे, मैं नहीं खाती कुछ, अब भूख हड़ताल पर रहूंगी। परे थी। अरे बाबा स्नेक तो सांप को कहते हैं, ये जरीना क्यों खाना चाह रही है? मेरे ख्याल से मैं चलूं। बाबा चाहे तो छोड़ दो, चलूं। ये ले जाओ बाबा, तुम बासी लाए हैं, ले जाओ। अरे मैडम आप इतनी जल्दी आ गई, ऑफिस नहीं गई थी? अरे जानी सारी बातें यहीं करोगे, चेयर निकालो गाड़ी से और अंदर आओ। चेयर? लगता है मोहल्ले के चौकीदार से छीन ली। बकवास बंद करो, अपनी चेयर लेकर अंदर आओ। अच्छा भैया आता हूं। अबे अंग्रेज ये खोल। हां 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 हां, अबे क्या लेके आ गए यार, ये क्या लेके आ गई है, देखो निकलवा। अब फंसा दी, चल ठीक है। मैडम इतनी जल्दी? हाँ जानी, वो मैंने नई चेयर खरीदी थी ना, तुम सबको दिखाने के लिए एक्साइटेड थी मैं। वैसे एक बात है, कुर्सी वाकई बहुत अच्छी
है ना? अरे जी जी, मैंने आज तक इससे अच्छी कुर्सी देखी नहीं है। जानी तुम सच कह रहे हो ना? मैडम कभी मैंने आपके साथ झूठ बोला? मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं क्या हुआ जानी, अचानक खामोश क्यों हो गए? क्या बोलूं, अब चेयर कंफर्टेबल है ना? कुर्सी? इससे अच्छा बंदा जमीन पे बैठ जाए, इतनी बेकार कुर्सी, थर्ड क्लास। आपकी हिम्मत कैसे हुई लाने की है? जानी ये क्या फजूल बकवास किए जा रहे थे तुम? माफ कीजिएगा, इतने में क्या ऑल फॉल बग गया, माफी। अभी तो तुम चेयर की इतनी तारीफ कर रहे थे और एकदम से इतनी बुराई शुरू कर दी। मजाक कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हें वाकई चेयर पसंद नहीं आई। कुर्सी तो बहुत अच्छी है, लाजवाब। अच्छा मैं ना फौरन बच्चे को बता के आती हूँ। जानी तुझे क्या हो गया, आज इतनी सच्ची सच्ची बातें करने लग गया, ये क्या हो गया? अरे बाबा सीमा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बाबा तुमने मुझे सोने के नंबर देने हैं क्या? नहीं बच्चू, वो ना मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया है? मैं ना वो चेयर लेकर आ गई हूँ। अरे बाबा कौन सी चेयर? वो वर्क फ्रॉम होम वाली चेयर। अरे वाह बाबा, ये तो अच्छा हुआ। चले ना मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बाबा हाँ, मैं जानता हूँ मेरी सीमा की ख्वाहिश बहुत अच्छी है। ख्वाहिश? बाबा वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना पसंद करने को ख्वाहिश। नहीं बच्चू, उसे चॉइस कहते हैं। अच्छा चले मैं आपको दिखाती हूँ। छपाना भी से तू शहर में आके ना बाबा बहुत मॉडर्न हो गई है, लेकिन मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो गांव में कौन सा लोग तुम्हारे यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए लाइन बना के खड़े रहते थे? अरे नहीं नहीं बाबा, क्या हो गया है? वो गुजरानी, वो मीना, वो तो बोला मेरे बगैर खाना भी नहीं खाती थी और तू बात करती है। वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अरे बाबा होता है होता है, अच्छी बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे ये सब खवातीन पढ़ी लिखी कितने हैं? अरे पढ़ी लिखी क्या भला, मैं अपनी भैंस की बात करूँ, भैंस बल्ला कहाँ से पढ़ी लिखी होगी? मैं तो भूल ही गई थी तुमने बेंसोलॉजी में PhD जो की हुई है। सदगो शायद तू ये भूल गई है कि मैंने भी ना बेइज्जती करने में ना मास्टर किया हुआ। चल दफा हो यहाँ से निकल, घर पे बुला के तेरे को इज्जत की, उल्टा मेरे को बातें सुना रही है, उठ। तेरे भी बड़े नखरे हो गए शहर में आके, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, जा रही हूँ मैं। बढ़िया है, शहर में आके मॉडर्न हो गई, अपनी औकात ही भूल गई, भैंसों में रहने वाली। अरे कुर्सी भी रास्ते में रख के चले गए, चलो मैं बाद में आके ठीक से रख दूंगा। भाजाई ये कुर्सी क्या भला, आप पड़ोस से लेकर आई हो? नहीं नहीं जरीना, मैंने खुद खरीदी है। अरे बाबा ये कुर्सी लाई हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा वो दो लानी थी ना बाबा, ये तो मैं ही नहीं छोड़ूंगा। सच? हाँ बाबा, मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है नहीं ना। अदासाई क्या वाकई आपको कुर्सी पसंद आ गई? अरे अदी तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस घटिया चीज को कुर्सी बोले? बाबा ये सब कुछ हो सकती है बाबा, कुर्सी नहीं हो सकती बाबा, इसने इस घटिया चीज ने कुर्सी का तकद्दुस पामाल किया है बाबा। बच्चू! बाबा ये क्या बोले जा रहे थे आप? अरे बाबा मैं क्या बोल रहा था? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कुर्सी पर बैठने से पहले इसकी तारीफ और बैठने के बाद बुराई। अरे बाबा वो असल में तुम मुझे नींद से उठा के लाई हो ना, इसलिए हो सकता है नींद में ऑल फॉल बोल रहा हूँ ना मैं। अदा लग तो नहीं रहा क्या नींद में आए? अरे अभी एक काम कर, बहुत अच्छी कुर्सी है, तू भी बैठ के देख ना बाबा, बैठ बैठ, आजा आजा बाबा आजा, बैठ 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 बैठ। आदि कैसी लगी बाबा? लाने वाली से तो अच्छी ही है। क्या क्या कह रही है बाबा? ऐसी घटिया औरत से उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जैसी घटिया औरत वैसी घटिया ये कुर्सी लाई है। बच्चू सुन रहे ना आप? अदा बच्चू तो कब से सुन रहा, अब तू मेरी सुन, आज के बाद अगर ये दो कौड़ी की कुर्सी लेकर आई तो मैं तुझे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बच्चू इसने मुझे तू कहा है? अरे अदी क्या कह रही है बाबा? अब नहीं बाबा, वो मैंने कोई कुछ थोड़ी कहा, वो ऐसे ही बस मेरे मुंह से गुद्दी निकल गया, भला मैं क्या करूं। एक मिनट, पहले जानी फिर आप और अब जरीना,
जो भी इस कुर्सी पे बैठे हैं वो सब सच बोल रहे हैं। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने कोई सच बोला ही नहीं, मैं ऐसे ही मुंह से निकल गया मेरे। कोई ना कोई मसला तो जरूर है बच्ची, मैं बता रही हूँ। अरे बाबा क्या है इस कुर्सी में? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बेटा जानी क्या हो गया तुझको? अब अगर दोबारा तूने ऐसा किया ना तो बर्तन से नहीं नौकरी से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। जाने। हाँ? जाने, तुम यहाँ हो? और कहाँ होना चाहिए था? अब चलो बाहर, मुझे तुम जरूरी बात करनी है। तो ये बर्तन कौन धोएगा? बर्तन बाबा बाद में भी धुल सकते हैं, बर्तन यही बने। चलो भाजाई को तुमसे जरूरी काम है बाबा। मैडम बुला रही। हाँ हाँ चलो शाबाश। तो पहले बोलना था ना। चलो 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 चलो। अरे बाबा सीमा क्या हो गया, कुछ सोच रही हो क्या? वो चेयर बच्चू। अरे बाबा सीमा तुम भी चेयर के चक्कर में पड़ी हो क्या? हो ना हो बच्चू, कोई ना कोई बात तो जरूर है। नहीं नहीं बाबा कोई बात नहीं है। नहीं बच्चू मेरा दिल नहीं मानता, ये इत्तफाक नहीं हो सकता। अरे बाबा तुम ऑफिस क्यों नहीं गई हो? बस बच्चू ज्यादा बात घुमाने की जरूरत नहीं है, और उठे उठे आप चले मेरे साथ। अरे बाबा मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ बाबा, मुझे बहुत जरूरी काम से सोना है। फजूल की बातें छोड़े, चले मेरे साथ, चले उठे। जीमा उठे बच्चू उठे, चले आओ जाने। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। जाने मैडम कहाँ हैं? शायद वो अंदर होंगे। जाने ये कुर्सी बोल रही थी भाजाई के हिल रही है बाबा। तो मैं कौन सा कोई कारपेंटर हूँ? अरे नहीं नहीं अब तुम बैठ के देखो, अगर हिल रही तो जाके वापस करा दो। मैं नहीं बैठ रहा। अब आप जाने बैठ जाना भाला, देख लो ना भाई पैसे लगे हुए ना, अगर हिल रही होगी तो अपन लोग वापस करा देंगे, बैठो ना। अच्छा बैठना चलो चुके। जानी तुम मुझसे शादी करोगे? तुझसे शादी? तू दुनिया की अगर आखिरी लड़की भी होगी ना तेरे बाद वाली से कर लूंगा, तुझसे नहीं करूंगा मैं। अरे बाबा जानी तुम्हें सौदा लाने का कहा था ना, गए नहीं अभी तक, हिसाब कर रहा हूँ। अरे हिसाब तो सामान लाने के बाद किया जाता है, तुम पहले कर रहे हो। कहाँ से कितने खांचे मारने, पहले से हिसाब करके निकलता हूँ मैं यहाँ से। जानी मैडम मुझे लगता है इस कुर्सी में कोई खराबी है। नहीं नहीं इस कुर्सी में कोई खराबी नहीं है, ये कोई आम कुर्सी नहीं है। हाँ बाबा इस कुर्सी पे जो बैठता है वो सच बोलता है। हाँ बाबा ये तो आप सही कह रहे हो। ऐसा करते हैं फटाफट इस कुर्सी को वापस कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, अब जो भी इस घर में रहेगा ना वो सिर्फ सच बोलेगा। बच्चू आप जरा बैठे इस कुर्सी पे। बच्चू जानी जरूर। अरे ये सब कहाँ चले गए? अगर बचना चाहते हो ना तो हमेशा के लिए गायब ही रहना अब सब। बच्चू आप कब तक वापस आएंगे? बाबा बहुत देर के बाद। क्यों ऐसा क्या काम है? अरे बाबा वो इसलिए कि तुम कोई काम ना कह दो इसलिए कोई भी काम कर लूंगा बाबा। अरे बाबा मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस वो जोकिंग करने जा रहा हूँ, सेहत के लिए अच्छी होती है ना। अरे बच्चू जॉकिंग नहीं होता, जॉगिंग होता है। हाँ बाबा वही वही वही। अच्छा खैर आप एक काम करें। हाँ वो क्या बाबा? आप ना मेरे साथ चल के चेयर पे बैठे, मुझे कुछ पूछना है आपसे। नहीं बाबा वो मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं नहीं बैठ सकता उस पर। बच्चू ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप डर रहे हैं। अरे बाबा बच्चू किसी से डर ही ना जाए, तुमने भी बच्चू को जाना नहीं है। जानने के लिए तो कह रही हूँ चले मेरे साथ। बाबा तुम अपने शौहर पे शक कर रही हो? हाँ बच्चू थोड़ा थोड़ा शक ना जरूरी होता है। देखो आप सीमा तुम अब जो है ना कुर्सी से आगे बढ़ रही हो। क्या? अब मेरा मतलब है कि हद से आगे बढ़ रही हो। टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे भी नहीं इम्प्रोवाइज सी नहीं, लगा के रखा है रट्टा। कुछ कुछ मीठा। अरे बाबा
इस कुर्सी से तो मैं बहुत परेशान हूँ, किसी सूरत से जान छुड़वाओ ना बाबा। बच्चू भाई मैं भी बड़ा परेशान हूँ इस कुर्सी से। हाँ बाबा कुछ करो ना बाबा, सीमा तो मुझे पक्का झूठा समझने लग गई है। एक हल है वैसे मेरे पास। बाबा वो क्या, जल्दी बोलो। ऐसा करते हैं पूरे मोहल्ले को इस कुर्सी पे बिठाते हैं। जानी बाबा झूला थोड़ी है जो गली के कोने पे रख दोगे और सबको बोलोगे लाओ भाई अपने अपने मियाँ को इसमें बिठा दो। अरे आपको तो पता है औरतें अपने मियाँ पे कितना शक करती है। तो ये होगा कि औरतों से कहेंगे कि सारे अपने मियाँ को लेके आ जाएं और इस कुर्सी पे बिठाएं और साथ सुन लें। उससे क्या होगा बाबा, हमारा क्या फायदा है। अरे मैडम जब देखेंगी ना कि सारे शौर्य ऐसे होते हैं तो फिर आपके झूठ के कोई अहमियत नहीं देंगी। बाबा बात में तो वजन है तुम्हारी बाबा। अब तुम्हारा काम है कि तुम पूरे मोहल्ले में ना डंडोरा पीट दो, ठीक है। ऐसा थोड़ी, पैसे लूंगा हर औरत और हर बंदे से। कमाल है, एक अजनबी आपके घर में आ गया है और आपको पता ही नहीं, खबर ही नहीं। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है बुड्ढे घोड़े बेलगाम। बुड्ढे घोड़े बेलगाम नहीं होता, असल में होता है। हाँ मुझे सब पता है, ये औरतों को गालियां और मुहावरे सुनाने के अलावा तुम लोग और कोई काम नहीं है। लेकिन अब औरतें कहेंगे और मर्द सुनेंगे। मैं तो मिसाल दे रहा था। ये मिसाल जो है ना तुम जैसे बुड्ढों के लिए ना बिल्कुल बेहतरीन है, जो दूसरों के घर में ना बकर बताए घुस जाते हैं। लेकिन मैं तो आपका पड़ोसी हूँ शब्बन मियाँ। बल्ले, शुरू में तो मेरे को बोला कि तुम अजनबी और अभी रिश्तेदारी निभा रहे हो। चल अभी यहाँ से निकल, वरना अभी पुलिस को बुला कर तेरे को इतने छुतरा पड़ोगे कि तू याद करेगा। अरे 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 आपका मतलब क्या है। मतलब के छुतराल। टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। भैंस के आगे बीन नहीं, इनको आए सीन नहीं, लगा के रखा है रट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ भाई क्या बोलना चाहेगा भाई, क्या है तुम्हारे दिल में। तेरे जैसे घटिया नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू जैसा बेगैरत मैंने नहीं देखा। चल उठ उठ यहाँ से, उठ उठ यहाँ से, बड़ा आया। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जी तो मोहतरमा बताइए क्या प्रॉब्लम है। वो मेरे को ये पूछना था कि मेरे शौहर के दिल में मेरे घर वालों के लिए क्या चल रहा है। अरे ये तो बड़ा संगीन मसला है, इसके तो बहुत पैसे लगेंगे। अरे मसला ही नहीं है, ले लीजिए। कितने लेंगे। दे दे। गिनने की क्या जरूरत है, ये पूरी दे दे। हाँ पूरे दे दे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बुला ले बुला ले बुला ले, मियां को बुलाए। बाहर खड़े, बुला के लाऊं। बाहर धूप में क्यों खड़े, बुलाओ अंदर, बुलाओ अंदर, बुलाओ लेकर आ। हाँ हाँ आजो मुन्ने आजो। है इतना बड़ा मुन्ना, आओ मुन्ने बैठो, बैठो मुन्ने बैठो, बैठो मुन्ने। तेरी माँ मुझे एक नजर भी नहीं भाती और तेरा बाप दिल चाहता है मैं उसका गला दबा दूं, उसको हैंगर में लटका के फांसी दे दूं। यार कुर्सी तो बड़ा काम दिखा रही है भाई। नेक्स्ट। तो ठीक है वैसे बच्चों की भी। अरे बाबा सीमा मुझे माफ कर दो बाबा। बस बच्चों मुझसे एक लफ्ज नहीं कहना। नहीं बाबा मैं एक लफ्ज नहीं बाबा, पूरा माफीनामा पढ़ने आया। माफीनामा किस चीज का। अरे बाबा सीमा सब ऐसे होते हैं बाबा, अकेला मैं थोड़ी हूँ। कोई भी ऐसा नहीं होता बच्चों। अच्छा बाबा अगर मैंने साबित कर दिया तो मैं खुद वो कुर्सी उठाकर बाहर फेंक दूंगी। अच्छा बाबा तो चलो। कहाँ बाबा, मैं तुम्हें साबित करूँ ना, बाहर चलो बाबा। चले आजो आजो। अरे बेग साहब आप किस मुजरिम का इकबाल है जुर्म करवाने आए हैं बाबा। ओए तुम लोगों की मुझे बड़ी कंप्लेन आ रही है कि इस कुर्सी की वजह से पूरे मोहल्ले में इंतजार फैला हुआ है। बेग साहब ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओए तुम बकवास बंद करो, मैं इस कुर्सी को लेने आया हूँ, इसको जब्त करूंगा मैं। रुको ठहरो जरा। भाई बेगम आप यहाँ कैसे। पहले जरा इस कुर्सी पे बैठो और मुझे ये बताओ सामने वाली रक्षंदा के साथ क्या चक्कर चल रहा है आपका।
बेगम, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। अच्छा, उससे शादी करोगे आप? पहले मेरे साथ घर तो चलो, मुझे बेवा तो होने दो, फिर मैं कराती हूँ दूसरी शादी। अरे भाई बचाओ, अरे पुलिस पुलिस, अरे भाई बचाओ तो सही मुझे। अरे बेग साहब, आप खुद पुलिस हो बाबा। अरे चलो उठो। अरे दादू माँ, अरे सुसर जी, चलो। अरे सुसर जी, देखा बेगम आपने, इस कुर्सी की वजह से सिर्फ झगड़े ही होते हैं बाबा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, ये कुर्सी सिर्फ झगड़े करा रही है, नहीं चाहिए हमें ऐसी कुर्सी। बच्चू भाई, मैं इसको बाहर फेंका हूँ। हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल फौरन फौरन। ऐसे भी आज इतना काम था, थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लूँ। देखा जानी बाबा, तुमने मेरी बेगम कितनी प्यारी है और मुझसे कितना प्यार करती है, है ना भाई सीमा? हाँ शेरोज। हाँ देखा बाबा, देखा कैसा है। अदा, क्या आपने अपना नाम शेरोज रख लिया है? नहीं बाबा, मैंने तो कभी शेरोज किसी रोज भी नहीं रखा है। बच्चू भाई चेक करें मैडम क्या कह रही है। हाँ बाबा। अरे बाबा सीमा, अदा के बड़े भाई हैं कोई? अरे क्या हो गया है, मेरा इकलौता ही अदा है बाबा। तो मुझे क्या पता। अरे वो मेरे को बच्चा ही बता रही थी कि अदा सही इलेक्शन लड़ रहा है। अदा सही, अदा सही, मैं आपके लिए ना एक टीचर लेकर आई हूँ। जरीना क्या हो गया तुम्हें, बच्चे कोई इंटरमीडिएट के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगला पैंतरा मैं सिखाऊंगा। अच्छा बाबा, वो क्या? अरे भाई मसले नहीं है तो हम मसले पैदा कर देंगे, जीतने के बाद आप उनको हल कर देना। नहीं बाबा नहीं जानी, ये जीतने का गलत तरीका है। बाबा अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मेकअप का सामान आधे दामों में दिलवाने की कोशिश करूंगा, सबको मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ बाबा फेशियल फ्री। आपस की बात है, मैं भी ना पोस्टर और बैनर ही छपाने जा रहा हूँ। अरे तो ऐसा करो ना, एक काम करो, पैसे हमें दे दो। हा? हम तो जा ही रहे हैं, बनवा के ले आते हैं तुम्हारे साहब के। बाबा जो एक बार मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं हर नौकर को मालिक बना दूंगा और कोई नौकर नहीं रहेगा, इलाके में सब मालिक बन जाएंगे। मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ अपने नौकर के नाम कर दूंगा। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, बट्टा सट्टा जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।